Exercise 5.3, find the sum given below. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सीरीज क्या है, 7 + 21/2 + 4 = 84. लास्ट टर्म क्या है 84, हमने देखा था एक फॉर्मूला। सबसे पहले तो हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स इसमें निकालने की कोशिश, तो ये क्या है 7, ये क्या है a2 - a1 = 21 upon 2 - 7. तो a जो लास्ट टर्म हमारा है क्या है 84, मान लेते हैं n, तो n क्या होता है a + n - 1 × d, तो 84 = ये हमारा क्या 7, n हमें पता नहीं है, ये पता है 7/2, तो 7 कॉमन लेंगे क्या होगा 84/7 = 1 + n - 1/2, करेक्ट। तो 12 = 1 + n - 1/2, 12 - 1 = n - 1/2, 11 × 2 = n - 1, तो 22 = n - 1, तो n = 22 + 1 = 23, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया हमारे पास 23 है। इस हमने सम का एक फॉर्मूला पढ़ा था n/2 × first term + last term, याद है या n/2, इसको पूरा लिख लेते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, एक फॉर्मूला था। तो n हमारा यहाँ क्या है 23/2, फर्स्ट टर्म हमें पता है, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 7, तो फर्स्ट टर्म हमारा है 7 और लास्ट टर्म हमारा क्या है 11.5 करके देख लेते हैं क्या हो जाएगा 11.5, आंसर क्या हो 1046.5, करेक्ट। यहां पर हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं 5.3 का सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है, 34 + 32 + 10, तो यहां पर a हमारा क्या है 34, d क्या है a2 - a1, तो 32 - 34 = -2, और an यानी कि लास्ट हमारा लास्ट टर्म क्या है n है, तो n = a + n - 1 × d, तो 10 = first क्या है 34, n हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ टर्म कितना है और d क्या है माइनस, तो 10 - 34 = n - 1 × -2, तो क्या हो गया -24 = n - 1 × -2, माइनस माइनस कैंसिल, यहां से लिख सकते 24/2 = n - 1, तो n = 12 + 1 = 13, तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितना है टोटल 13 टर्म्स, हमें क्या निकालना है सम, तो सम हमें पता है, सम हमें पता है कि n/2 first term + last term, तो 13/2, फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 34, लास्ट टर्म क्या है 10, तो 13/2 × 44,
ट्वेंटी टू, क्या ट्वेंटी टू इंटू थर्टीन तो कितना हो गया 286, कितना हो गया 286। एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर टू पार्ट, हमें गिवन सीरीज है, इसका क्या करना है, सम निकालना है, क्या करना है, सम निकालना। क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट, माइनस फाइव प्लस माइनस एट प्लस माइनस इलेवन प्लस माइनस टू, ए क्या है हमारा माइनस फाइव, बी क्या होगा ए टू माइनस ए वन, तो माइनस एट माइनस ऑफ माइनस फाइव दैट इज माइनस एट प्लस फाइव दैट इज माइनस थ्री। हमें ए एन क्या है माइनस टू, तो ए एन इक्वल टू लिख सकते ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एंड लास्ट टर्म की बात करें, एन मतलब क्या हुआ लास्ट टर्म, तो माइनस टू थर्टी इक्वल टू ए माइनस फाइव प्लस एन, हमें पता करना नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, डी माइनस थ्री, तो माइनस टू थर्टी इधर आके क्या हो जाएगा प्लस फाइव, तो एन माइनस वन इंटू माइनस थ्री, तो क्या हो गया माइनस टू फाइव इक्वल टू एन माइनस वन इंटू माइनस, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, हमें टू टू फाइव अपॉन थ्री इक्वल एन माइनस वन, तो सेवेंटी फाइव इक्वल टू एन माइनस वन, एन इक्वल टू ट्वेंटी फाइव प्लस वन ट्वेंटी सिक्स, तो एन का वैल्यू क्या आ गया सेवेंटी सिक्स। तो हमें निकालना है क्या सम ऑफ सीरीज, तो एस एन क्या होता है एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट, इन क्या है 26 बाई टू, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है माइनस फाइव, लास्ट टर्म क्या है माइनस टू, थर्टी एट माइनस फाइव माइनस दैट इज 38 माइनस ऑफ टू थ्री फाइव, मल्टीप्लाई करने पर इतना माइनस एट नाइन थ्री आंसर।